बहुत धन्यवाद आदरणीय सर उपाध्याय सर आ रहे हैं जी। समय की बाध्यता है इसलिए बहुत लंबा कोई वक्तव्य मैं नहीं दूंगा। मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण और हमारे बीच जनजातीय जो विमर्श हो रहा उसकी किंवदंती पुरुष दादा वसंत निर्गुणे बैठे हुए हैं, मैं उनका हृदय से नमन करता हूं। यहां उपस्थित सभी विद्वत मनीषी, अभी हमने सभी बड़े विचारोत्तेजक वक्तव्य सुने, विशेष रूप से पंकज जी का, उसके पूर्व आपका टेटे जी का और अभी बहन का। तो ये इन वक्तव्यों के माध्यम से हम समझ पाए हैं कि वो जनजातीय चेतना के अंदर क्या सुलग रहा है। असल में कंठ की जो बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भाषा तो बहुत बाद में आई और हमारे यहाँ कंठ ही वह सिंहासन है जिस पर भाषा का राजा बैठकर शब्दों के संसार पर शासन करता है। यदि शब्द जो है, जब तक उसकी प्रजाति के शब्द हैं उसकी सत्ता है, और जैसे ही वो प्रजाति के शब्द विरल हुए, विलुप्त हुए या नष्ट हो गए, चले गए, तो फिर वह भाषा का, उस भाषा का सिंहासन डोलने लगता है। और वह सिंहासन डोलते डोलते एक समय ऐसा आता है जब वह भाषा उस सिंहासन से उतार दी जाती है, फिर किसी दूसरी भाषा का राज आरंभ हो जाता है। शब्द बदल जाते हैं, शब्द विरल हो जाते हैं, शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसका बाहुल्य होता है वह भाषा हमारे यहाँ फिर से प्रभावी हो जाती है, वह बोली जाने लगती है। जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में अभी हमने बहुत विचारोत्तेजक वक्तव्य सुने और ये बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज जी ने रेखांकित की कि भाई हमारे यहाँ की जो अभिजाति रूप से या शहरी भाषाएं हैं या बोलियां हैं वो तो विलुप्त होती है, लेकिन क्यों नहीं होती भीली विलुप्त, 5000 वर्षों की परंपरा से यह चली आ रही है। तो इसकी वैज्ञानिकता कम से कम हम जाने। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक है विलुप्त होना, एक होता है विलीन होना। विलीन तो पंचभूत में देह हो जाती है, विलीन हो गई, देह चली गई, उसके बाद हमें मालूम नहीं। लेकिन विलुप्त होने के लिए जो इंडेंजर्ड शब्द है ये मुझको उपयुक्त नहीं लगता है। विलुप्त होने का मतलब यह है डिसअपीयर होना, अदृश्य हो जाना, जिसमें उसके पुनः प्रकट होने की संभावना विद्यमान रहती है और उसी आशा के सहारे तो हम जीवित। इसलिए हमें मानना चाहिए कि ये भाषा जो है जो वो विलीन नहीं हुई है। हमें इतना ज्यादा निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, भाषा हमारे यहाँ विलुप्त हो गई है। अभी आंकड़ों की बात हम यदि करें तो बहुत सारे आंकड़े हैं, और जो मैसूर के जो भाषा के संस्थान का आपने उदाहरण दिया, संदर्भ दिया है, वो पूरा का पूरा सर्वेक्षण करता है। अभी जो नवीनतम 21-22 के आंकड़े आए हैं जिसमें 586 भाषाओं के संबंध में कहा गया है कि केवल वो भाषा बोली जाती है, बाकी लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो गई हैं, वो अपनी जगह है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक सेंटर जो है JNU का, वहाँ भाषा संबंधी काम होता है। भारत शासन का गृह मंत्रालय जो है वह यह कार्य करता है। और इसके अलावा हो सकता है विवाद हो या उनके संबंध में कोई कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी एक बड़ा काम डॉक्टर गणेश देवी ने किया है। उन्होंने अब 2010 में 850 भाषाओं का सर्वेक्षण किया और 850 भाषाओं में से उन्होंने 250 भाषाएं ऐसी आइडेंटिफाई की, ऐसी पहचानी जो विलुप्त हो रही हैं। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ यह आंकड़ा भी आया कि 197 भाषाएं हमारे यहाँ विलुप्त होने की कगार पे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विलुप्तीकरण वैश्विक स्तर के ऊपर हो रहा है, तो वो विलुप्तीकरण हो रहा है रूस में, अमेरिका में, और तीसरे नंबर पे भारत है। और बहन ने जैसा अभी बताया, ये भी कहा जा रहा है कि हर 2 हफ्ते में हमारे यहाँ एक भाषा मृत हो रही है। ये आंकड़े तो हैं अपनी जगह, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि भाषा का विलुप्तीकरण जो है वो क्यों हो रहा है। और ये मैं बात मानता हूँ, ये भाषाविदों ने भी बात कही है कि कोइतूर भाषाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो कोइतूर भाषाएं हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं, और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम झारखंड में ये जागृति है।
हमारी महामहिम डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में एक बार जब वो राज्यपाल थी तो भाषा संबंधी एक विमर्श हुआ था, और डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू हैं वहाँ जिन्होंने एक भाषा जो है उसका 25 वर्ष पहले उसका स्क्रिप्ट बनाया है संथाली भाषा का, जिसको बच्चे पढ़ रहे हैं। झारखंड में ये काम हो रहा है और वहाँ ऐसा निरंतर विमर्श होता है। तो ये विलुप्त होने के तो अनेक कारण हैं, उनमें कारकों को 51 कारक गिनाए गए हैं। और इसके संबंध में जैसा हमारे यहाँ झारखंड में काम हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में गया और वहाँ मैंने देखा, वहाँ नेशनल गैलरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर लेंडेन ने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा है कि 6000 भाषाएं जो हैं इनके संबंध में काम हुआ है, और डॉक्टर गणेश देवी की अब योजना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये भाषाओं के विलुप्तीकरण के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। हमारे यहाँ भाषाओं के विलुप्त होने के अभी जैसे बहन ने भी गिनाए, अभी अनेक कारण गिनाए, समय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विलुप्तीकरण का कारण जो पहचाना गया है वो ये कि ये है कि हमारे यहाँ की जो तटीय राज्यों के अंदर बोली जाने वाली भाषा है वहाँ ये मछली पालन की नई तकनीक के कारण जो पलायन हो रहा है वो एक कारण है। भाषाविद एक कारण नई सड़कों का बनना मानते हैं कि जो नई सड़क बनी उनके कारण पलायन बढ़ गया, और पलायन बढ़ गया इसलिए विलुप्तीकरण हो रहा है, तकनीक के कारण विलुप्तीकरण हो रहा है, अंग्रेजी के कारण विलुप्तीकरण हो रहा है, ऐसे अनेक कारण हैं। विस्तार में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है समय की बाध्यता देखते हुए, लेकिन इनके संरक्षण के लिए जो चिंता है वो मैं करता हूँ, बहुत जायज चिंता है, और हम सब लोगों का ये दायित्व है कि जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रयास करें। और वहाँ जो टोटम की भाषा है, जो जनजातीय विमर्श की भाषा है, जो आपने बताया संकेत की भाषा, उस भाषा के संबंध में हमें निरंतर शोध करके और उसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। अनेक मुद्दे हैं हमारे यहाँ, बंजारे लोगों के संबंध में तो भाषा इसलिए विलुप्त हो रही है क्योंकि उनके ऊपर ये आक्षेप लगा दिया जाता है कि ये लोग जो हैं ये अपराधी वृत्ति के हैं, तो वो कहीं अपनी भाषा के कारण ना पहचान लिए जाएं, इसलिए वो अपनी भाषा बोलना छोड़ दिए, एक सर्वेक्षण ये भी कहता है। तो ये जो है ये इस प्रकार की चिंताओं के बारे में विमर्श करने की आवश्यकता है, और मैं भी और हम सब अनुभव करते हैं कि विश्व रंग ने यदि ये मंच दिया तो ये मंच जो है वो हम सब लोगों के लिए एक निश्चित ही एक प्रस्थान बिंदु सिद्ध होगा, एक आगे की दिशा जो है वो हमें मिलेगी। भाषा के पुनरुद्धार के संबंध में यदि कोई बात कर की जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि पुनरुद्धार जो है वो तो भाषा का हम अपने प्रयासों के माध्यम से करेंगे तो वो पुनरुद्धार स्वयं हो जाएगा। हमारे यहाँ का कवि जो है वो बड़ा आश्वस्त है कि विश्व भाषा के जो शब्द विलुप्त हो गए थे, श्रीकांत जोशी कहते हैं, वे शब्द फिर लौटेंगे निश्चय, वे शब्द फिर लौटेंगे ब्रह्मांड के खंड खंड होने से, लेकिन लौटेंगे समय के कहने से। इसलिए हमें समय पर और हमारे प्रयासों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, और इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय सर। इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा, दो पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण होना है। एक पुस्तक है लिपिबद्ध होना, लेखिका डॉक्टर रचनालता नेगी जी हमारे बीच में है, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपसे आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। और एक पुस्तक जिनका शीर्षक है, आदरणीय हीरा मीणा जी की पुस्तक है, वाचिक साहित्य की पुरखोती परंपराएं और गीत, उनसे भी आग्रह कृपया अपनी पुस्तक का लोकार्पण कराएं। आ जाइए आप मैम, आप फोटो खींचिएगा, पारस अच्छी फोटो खींच, पारस आप लीजिए।